नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक्टर के वीडियोस के अंदर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्वराज 960 एफी और करतार 5936 का। किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर 60 एचपी के अंदर आते हैं, तो आज के इस वीडियो में दोनों ही ट्रैक्टर का फुल कंपैरिजन करेंगे, आपको बताएंगे कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। उसी के साथ दोनों ट्रैक्टर के टॉर्क, बैकअप टॉर्क, इंजन, सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप किसी ट्रैक्टर का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, शुरू करते हैं हमारे कंपैरिजन को और सबसे पहले बात करते हैं डाइमेंशंस की। किसान भाइयों, स्वराज 960 एफी के अंदर 3590 mm की लेंथ मिल जाती है, वही 2200 mm का व्हील बेस। किसान भाइयों, इसके टोटल वेट की बात की जाए तो 2330 किलोग्राम का टोटल वेट मिलता है, वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस 410 mm का है। किसान भाइयों, अगर बात की जाए करतार 5936 की, तो इसके अंदर 4030 mm की लेंथ मिलती है, 2290 mm का व्हील बेस और 2740 किलोग्राम का टोटल वेट मिलता है, वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 375 mm का है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इंजन की। तो यहाँ पर स्वराज 960 एफी के अंदर 60 एचपी का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जिसके अंदर 3480 सीसी का इंजन है। किसान भाइयों, यह ट्रैक्टर 2000 इंजन आरपीएम पर काम करता है और इसके अंदर फ्यूल पहुंचाने के लिए बोश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप दिया हुआ है। किसान भाइयों, अगर बात करें करतार की, तो इसके अंदर भी 60 एचपी का इंजन मिलता है, लेकिन इसके अंदर 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है। वहीं इसकी क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 4160 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 2200 इंजन आरपीएम पर काम करता है। किसान भाइयों, इसके अंदर फ्यूल पहुँचाने के लिए बोश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप भी दिया जाता है। किसान भाइयों, अगर बात की जाए एयर फिल्टर की, तो स्वराज के अंदर 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर फिल्टर देखने को मिलता है, वहीं करतार के अंदर ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिलता है, वो भी चौक इंडिकेटर के साथ में। तो किसान भाइयों, अब आगे बढ़ें और बात करें टॉर्क और बैकअप टॉर्क की, तो यहाँ पर स्वराज के अंदर 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वहीं जरूरत पड़ने पर 27% का बैकअप टॉर्क भी यह ट्रैक्टर लगाता है। किसान भाइयों, अगर करतार की बात करें तो इसके अंदर भी 227 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है और यहाँ जरूरत पड़ने पर सबसे बेहतर 45% तक का बैकअप टॉर्क लगा देता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बैकअप टॉर्क दिया गया है, तो टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो करतार काफ़ी बेहतर है। किसान भाइयों, अगर बात की जाए ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो यहाँ पर स्वराज 960 के अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियरबॉक्स मिलता है, जो कि कॉन्स्टेंट मेस तकनीक से बना हुआ है। किसान भाइयों, इसके अंदर पीटीओ के लिए अलग से क्लच लीवर मिल जाता है, तो इसके अंदर डबल क्लच दिया हुआ है। किसान भाइयों, अगर करतार की बात करें तो करतार के अंदर 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स वाला सिंक्रो शटल गियरबॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर सिंक्रोमेश गियर तकनीक उपयोग में ली गई है। इससे गियर लगाना काफी आसान हो जाता है और इसके अंदर भी पीटीओ के लिए अलग से क्लच लीवर दिया जाता है, जिसे हम डबल क्लच कहते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई ट्रांसमिशन की बात। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्वराज 960 के अंदर आगे की स्पीड 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलती है, वहीं इसकी रिवर्स स्पीड 12.9 किलोमीटर प्रति घंटा की दी हुई है। किसान भाइयों, अगर करतार की बात करें तो करतार के अंदर आगे की मैक्सिमम स्पीड 35.4 किलोमीटर प्रति घंटा की मिलती है, वहीं इसकी रिवर्स स्पीड 30.1 किलोमीटर प्रति घंटा की देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों, आगे बढ़ें और अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। किसान भाइयों, स्वराज के अंदर 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक दी हुई है, जो कि ADDC टाइप की है और इसके अंदर आपको 3 पॉइंट सेंसिंग मिल जाती है। किसान भाइयों, करतार के अंदर 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग की कैपेसिटी मिलती है और इसके अंदर भी ADDC टाइप की लिफ्ट मिलती है और इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग भी आपको मिल जाती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हाइड्रोलिक की बात करें तो यहाँ पर करतार ज़्यादा बेहतर है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं PTO यानी कि पावर टेक ऑफ की। तो यहाँ पर स्वराज के अंदर 540 RPM स्टैंडर्ड PTO मिलती है, वहीं इसके अंदर
मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बात करें इसके पीटीओ पावर की तो 47.6 हॉर्स पावर की पीटीओ मिलती है, जो कि 60 एचपी कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी कम है। किसान भाइयों, अगर करतार की बात करें तो इसके अंदर 540 आरपीएम स्टैंडर्ड पीटीओ मिलती है, उसी के साथ ग्राउंड स्पीड पीटीओ और इकोनॉमी पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर इसके पीटीओ पावर की बात करें तो 51 एचपी की पीटीओ पावर मिलती है, जो कि काफी बेहतर है। तो यहाँ पर पीटीओ के हिसाब से करतार ज्यादा बेहतर है। किसान भाइयों, अब बात करें इनके टायर साइज ऑप्शंस की, तो यहाँ पर दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर आगे के टायर 7/50-16 के और पिछले टायर 16/9/28 के ऑप्शंस के साथ मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें ब्रेकिंग सिस्टम और स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर स्वराज के अंदर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिल जाते हैं और सिंगल एक्चुएटिंग पावर स्टेयरिंग देखने को मिलती है। वहीं करतार के अंदर ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि सस्पेंडेड पेडल्स के साथ आते हैं। वहीं इसके अंदर बैलेंस्ड टाइप की पावर स्टेयरिंग मिल जाती है। और किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टेयरिंग का जो ऑयल है वो सेपरेटली दिया हुआ है, जिससे कि पावर स्टेयरिंग लंबे समय तक खराब नहीं होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आने वाले एक्सल्स की, तो यहाँ पर स्वराज के अंदर आगे का एक्सल एडजस्टेबल टाइप का दिया जाता है, वहीं इसका पिछला एक्सल इनबोर्ड रिडक्शन के साथ दिया जाता है, जिसे हम डबल रिडक्शन भी कहते हैं। किसान भाइयों, करतार की बात की जाए तो इसके अंदर फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल टाइप का दिया जाता है, उसी के साथ पिछला एक्सल प्लेनेटरी गियर रिडक्शन या फिर EPI रिडक्शन के साथ दिया जाता है, जो कि काफी बेहतर है। तो किसान भाइयों, अब बात करें इनके कीमत की, तो कीमत आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं या फिर हमें WhatsApp पर पूछ सकते हैं, आपको हमारे द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।